अराकू एक गंजेड़ी जो कैंसर से मरकर गॉड के पास पहुंच जाता है, जहां गॉड उसे कोबर पर स्किल देकर दूसरी दुनिया में भेज देता है। वह खेती करने के चक्कर में उसकी जिंदगी में एल्फ की खेती शुरू हो जाता है। यहां तक कि कैसर राक्षस जाति की खूबसूरत नौकरानी कैसर परे और साथ में वैम्पायर प्रिंसेस को भी कंट्रोल करने लगता है, और कंट्रोल का मतलब तो तुम्हें पता ही है। टर्मिनल कैंसर से 5 साल लड़ने के बाद अराकू डेड हो जाता है और उसकी आत्मा 39 साल विश्वासघात और पीड़ी से भरा हुआ जिंदगी जीने के बाद हेवन में पहुंच जाता है, जहां इस दुनिया की गॉड एक्सीडेंटली इतना बुरा लाइफ देने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे हेल्दी बॉडी के साथ एक और जिंदगी देता है और उसे प्रॉमिस करता है वो उसकी कोई भी इच्छा को फुलफिल करेगा। एक ही चीज जो अराकू चाहता है वो एक किसान बनकर सुमसम एरिया में जन्म लेना। उसकी जर्नी में हेल्प करने के लिए गॉड उसे इस दुनिया के सबसे पावरफुल टूल ऑलमाइटी फार्मिंग टूल देता है और उसे दुनिया में भेज देता है। अराकू एक जंगल के बीच में जागता है। जैसे ही वो कई साल बाद पहली बार हिलाता है, मेरा मतलब अपनी बॉडी को हिलाता है, उसे एहसास होता है कि ये वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था। तभी उसके हाथ में ऑलमाइटी फार्मिंग टूल आ जाता है और वो जमीन को खोदने लगता है। वो देखता है कि टूल के इस्तेमाल करने से उसे कभी भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। अब उसे एक अच्छा सा जगह चाहिए उसकी फार्मिंग के लिए, इसलिए वो पूरी जंगल के अंदर ढूंढता है, जब तक कि उसे घर कहने के लिए एक जायंट ट्री ना मिल जाता है। जंगल में कहीं भी नदी या तालाब नहीं है जिससे वो प्यास बुझा सके। अराकू पानी के लिए एक गड्ढा खोदने का फैसला करता है। उसके ऑलमाइटी फार्मिंग टूल एक शावल में बदल जाता है और वो जमीन को खोदना शुरू कर देता है। वो तब तक खोदता है जब तक पानी की एक फौरा या पानी की कोई सुरक्षित स्रोत न बन जाता है। वो जमीन साफ करना शुरू कर देता है जब तक कि उसे एक पेड़ नहीं मिलता है जो उसे खेती करने से रोक रहा है। अपनी पिछले जीवन की नॉलेज के साथ वो स्ट्रेटेजी के लिए उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऑलमाइटी कुल्हाड़ी की एक ही स्लैश पर पेड़ गिरने लगता है। उसे आचार बना दे इससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। अब जबकि उसे उसकी पहली ओक ब्लॉक मिल गया है, वो अपनी मैलेट का इस्तेमाल करके इसे 4 ओक प्लैंग में बदल देता है। अपनी क्राफ्टिंग टेबल से सभी लॉग को प्लैंग में बदलने के बाद सूरज डूबने लगता है और वो घबरा कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना आग लगने की वो पूरी रात जायंट ट्री में छेद करने में बिता देता है। पहले तो वो सोचता है उसे बस एक मिट्टी की झोपड़ी बनाना है, लेकिन उसे याद आता है कि न्यूटन ने इस दुनिया में ग्रेविटी का आविष्कार किया है, इसलिए वो खुद को जिंदा दफनाना नहीं चाहता है। अगले सुबह वो आग लकड़ी इकट्ठा करता है और उसी गर्दे से बचने के लिए वो अपनी पहली आग जलाता है। करीब के सभी पेड़ों को साफ करने में एक दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अराकू को कभी भी थकान या भूख महसूस नहीं हुआ है। ये उसकी ऑलमाइटी टूल की पावर है। और जैसे ही वो जंगल साफ करना जारी रखता है, एक मॉन्स्टर रैबिट उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो अपनी माइटी स्टिक से उसे तुरंत खत्म कर देता है। ठीक खाते टाइम वो खरगोश को खत्म करने के लिए बुरा फील करता है, लेकिन विश करता है कि उसके पास उसका स्टिक घुसाने के लिए एक छेद हो। सॉरी, मेरा मतलब था कि वो चाहता है कि उसके पास खाना बनाने के लिए एक छेद हो। खाना खाने के बाद उसे हगना भी है, इसलिए अराकू प्राइवेसी के लिए फिल्टर के साथ साथ एक इनोवेटिव टॉयलेट भी बनाता है। आखिरकार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वो जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है और बाकी दिन ये सोचने में बिताता है कि उसे पहले कौन सी सब्जी उगाना चाहिए। लेकिन जब वो काम पूरा करता है तब तक बहुत देर हो जाता है, इसलिए वो अगले दिन बीज खोजने का फैसला करता है, लेकिन सुबह जमीन पर पहले से ही पौधा उगा हुआ होता है। इससे कोई मतलब नहीं था कि सोने से पौधा कैसे उग सकता है, और अराकू सोचता है कि ये उसके फार्मिंग टूल का साइड इफेक्ट है, भले ही वो कैसे भी उगा है। वो रात में उन्हें ज़ॉम्बी से बचाने के लिए घेरना शुरू कर देता है और सभी छोटा एनिमल को बाहर रखने के लिए एक टीली खोदता है। इस प्रोसेस में कुछ दिन लग जाता है, लेकिन आखिरकार घेरना खत्म करने के बाद वो देखता है कि पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बचा हुआ लकड़ी से वो एक छोटा लॉग हाउस बनाने का फैसला करता है और अपने सिविलाइजेशन लेवल को बढ़ाते हुए एक अच्छी छत बनाने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। कुछ और दिनों तक अपने खेत का विस्तार करने के बाद अराकू दो भेड़ियों को देखता है जो बहुत घायल है, इसलिए वो उन्हें अंदर लाने की कोशिश करता है। उस विशाल वॉर की बचे हुए मांस के साथ जिसे उसने हराया था, अराकू उन्हें खाना खिलाता है, लेकिन देखता है कि उनमें से एक प्रेग्नेंट है। एक बच्चे के रूप में उसकी एकमात्र इच्छा था एक कुत्ता पालना, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन फीमेल के पेट में दर्द होने लगती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश करते हुए वो उन्हें लॉग हाउस में ले आता है और सूरज डूबने पर उन्हें गर्म रखने के लिए आग जलाता है। एक लंबी रात की नींद हराम करने के बाद अराकू चार छोटा पपीज को दूध पीते हुए देखने आता है। उनके सुरक्षित जन्म का जश्न मनाने के लिए वो उन्हें सबसे टेस्टी मांस देता है जो उसने इकट्ठा करके रखा था। उस समय बीत जाता है और कुत्ता उसकी झोपड़ी के आसपास रहने लगता है, इसलिए अराकू उनके ठीक बगल में एक नया घर बनाने का फैसला करता है और समय के साथ साथ पपीज इधर उधर भागने लगता है। उसकी पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है और वो देखता है कि टमाटर ही सबसे पहले फल पैदा करने वाली पौधा है। वो उनमें से कुछ अपने कुत्तों को दे देता है और मेल के नाम किरो और फीमेल के नाम यूकी रखता है। कुछ ही हफ्तों के बाद अराकू अपनी ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के पीछे की सभी सीक्रेट सीख लेता है। आलू के बारे में सोचते समय ऑलमाइटी टूल जादू की मदद से आलू को उगा देता है, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल करके उसे जो जो चाहिए उन फलों को उगाता है। और इसके अलावा वो अपनी ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के साथ जो कुछ भी उगाता है वो समय से कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है। इस फैक्ट के लिए वो आभारी है कि गॉड ने उसे इतना ओवर पावर आइटम दे दिया है। अराकू छमड़ा उत्सव के लिए 2 स्टैचू बनाता है। उस दोपहर उसे एहसास होता है कि उनकी खाना हर बार एक ही होता जा रहा है, इसलिए वो कुछ पेड़ लगाने का फैसला करता है जिनमें फल आने में कई साल लग सकता है, लेकिन इंतजार सफल जरूर होगा। जैसे जैसे हफ्ता बीतता जाता है, भेड़ों के सिंह बाहर आने
करने लगता है और उन्हें 30 मिनट की दूरी पर एक झरना मिल जाता है। हालांकि क्लेन बारन से ताजा पानी मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, पर उसे जो दूरी खोदना होगा वो बहुत ही लंबा है, इसलिए वो पहले अपनी बेस पर ध्यान देने का फैसला करता है। फिर लगातार बढ़ता रहता है और वो अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए गेहूं और गन्ना जैसी खाई प्रकार की पौधा लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी की महीना बीतता जाता है, हराकू को दिनों का पता नहीं चलता है। सर्दी तेजी से नजदीक आ रहा था और ऐसे भी कोई चांस नहीं था कि वो इस सिचुएशन में भी खेती जारी रख सके। और जैन रैबिट की खाल सड़ने भी लगता है, जिसमें से भयानक गंध आने लगता है। सर्दियों की तैयारी के लिए वो खाना और जला लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन किरो उसे एक जैन स्पाइडर से मिलाने के लिए ले आता है, जो अपनी पूछ की रेशम से वो डिटेल्स कड़ी वाला रुमाल बना सकता है। ये उसकी छोटे से फार्म में नया सिटीजन बन जाता है और कुछ आलू के बदले में वो सभी प्रकार के कपड़ों को बनाता है। उसे सर्दी के लिए एक कोट की जरूरत था, ठंड हवा को रोकने के लिए पत्ती या पैडों से भरी बिस्तर। स्पाइडर जबूटन वो सब कुछ प्रोड्यूस करता है जिसे उसकी कभी जरूरत था। उसकी छोटी सी झोपड़ी धीरे धीरे और अच्छा बनने लगता है और इस तरह आखिरकार सर्दी आ जाता है। उस चिमनी के साथ जो उसने बनाया था वो कठोर ठंडी रातों में जिंदा रहने में कामयाब होता है। फिर भी इस बात की परवाह किए बिना कि वो जिंदा है या नहीं, वो भयानक रूप से अकेला होने लगता है। सोचता है कि वो भूल जाएगा कि कैसे किससे बात करना है। जब लंबी सर्दी बीत जाता है और अंत में गर्मी आ जाता है, भेड़िया की बच्चे बड़ा हो जाता है और वो एक घोंसला छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो पार्टनर के साथ वापस आ जाता है। उनमें से एक ने एक भेड़िया को भी पीटा है और गीगा चाट की तरह लड़का को जीत लिया है। लेकिन सरप्राइज करने वाला वही अकेला नहीं था, क्योंकि स्पाइडर भी अपने बच्चों के साथ वापस आ जाता है। उनके सभी की परिवार बड़ा हो रहा था, इसलिए हराकू खेती शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें खाना खिला सके। लेकिन जैसे ही वो खेती करने लगता है तो स्पाइडर अलार्म बजाना शुरू कर देता है। फिर वो हराकू के साथ जंगल की ओर भागता है और जंगल के बीच में उन्हें एक सिल्वर हेयर वाली लड़की रोती हुई मिलता है। सभी जानवर उसे घेर लेता है और वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, इसलिए हराकू उससे बात करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ढकने की कोशिश करता है, वो उसके जाल में फंस जाता है और लड़की उसकी गर्दन काटने के लिए उसकी ओर कूद जाती है। ब्लड से भरी वैम्पायर में बदलने के बाद भेड़िया तुरंत उस पर हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वापस अपनी छोटी फॉर्म में आ जाती है, हराकू उससे जानना चाहता है कि क्या वो उसकी दुश्मन है। लेकिन लड़की कहती है कि उसने उसका खून इसलिए चूसी ताकि मरने से पहले वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। उसे इस बात को बुरा लग रहा है कि उसके कुत्तों ने उसे कितना बुरा तरह पीटा है। वो उसे अपनी गर्दन काटने के लिए कहता है और उसकी लाइन चूसने लगती है, और मेरा मतलब वो उसके खून चूसने लगती है। वो खुद की बड़ी भाषण में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन हराकू को याद है कि वो लंबा थी और उसके पास जायंट प्लॉट थी, इसलिए वो उसे कहता है जल्दी करो और उसका खून और चूसो ताकि वो उसके जायंट प्लॉट को फिर से देख सके। उसके सारी शारीरिक तरल पदार्थ को चूसने के बाद हराकू उसे अपने खेत में घुमाता है। ये उसकी पहली बार है जब वो ऐसी एबनॉर्मल फल देख रही है। जब वो एक बाइट करती है तो उसे एहसास होती है कि ये स्वादिष्ट है। हराकू खुश होता है कि वो उसके खाने का आनंद ले रही है, क्योंकि पहली बार वो इस तन्हा दुनिया में किसी के साथ समय बिताने की आनंद ले रहा है। उसके घर पर वापस आने पर उसे महसूस होता है कि आज के दिन सरप्राइज से भरा हुआ था और वो ये सोचने लगता है कि क्या ऐसा फिर से कभी होगा। उसकी नाम लू लूसी है और वो उससे पूछती है कि क्या वो फ्यूचर में उससे मिलने आ सकती है। लेकिन हराकू अलग मांग करता है और उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती है। उसे बस एक रात का नहीं, क्योंकि उस प्लान में कुछ खास बात है और लू को लगती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। वो ये मौका नहीं जाने देना चाहता है और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक वैम्पायर है। उसे पता नहीं कि कितने सालों तक वो अकेला रह सकता है। लू से बताती है कि ये बहुत ही अचानक है, क्योंकि उसने एक शादी की प्रपोजल तो नहीं सोची थी। लेकिन हराकू का एहसास होता है कि उसने गलत समझा दिया है। जब समझ गया है कि वो असल में शादी की प्रपोजल कर रहा है तो वो और भी जोर से इसे पकड़ लेता है और उससे शादी करने के लिए भीख मांगता है। लू मुस्कुराती है और कहती है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है। हराकू उसे खींच कर बेड पर ले जाता है स्टैंड करने के लिए। लेकिन अगले दिन वो अपने नए होप के साथ बच्चों को उगाने के लिए खेती की लंबी डंडी उसके कुतुर पर इस्तेमाल करता है। दोनों एक दूसरे के पास बैठकर पेड़ों के ग्रुप को देखता है। लेकिन स्पाइडर फिर से अलार्म बजाने लगता है। हराकू दौड़ कर जाता है और हैरान होता है कि उसे डेजा वो फील क्यों हो रहा है। वो एंजल लड़की को मुक्त करता है और सोचता है कि ये कहानी अब मजेदार सीन के साथ बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। लू चुपके से दूर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल लड़की उसे आखिरकार ढूंढ लेती है और तैयार हो जाती है उसे पकड़ कर ले जाने के लिए, इसलिए कुत्ते उसकी पिंग खा जाता है। और सरप्राइज है कि लू जंगल के अंदर छुपी हुई है और इस बात से गुस्सा हो जाती है कि उसे चरम सुख महसूस हुए जब कुत्तों ने उसकी पिंग जगह को खा ली। लू भी इस बात से गुस्सा है कि उसने भी चरम सुख महसूस की जब कुत्तों ने उसकी पिंग खा ली थी। और हराकू सोचता है चोट खाने से उन्हें चरम सुख कैसे महसूस हुई। एंजल लड़की जानना चाहती है कि यह आदमी कौन है और लू शर्माती हुई उसे उसके पति के रूप में इंट्रोड्यूस कराती है, जबकि उसकी चेहरा एक टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है। जायंट प्लॉट का नाम खुद को टिया कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और वो लू को ढूंढने आई है, क्योंकि उसके सर पर एक इनाम लगी हुई है। उसने लगातार अलग अलग मिशन की रिसर्च की और हर बार जब कुछ उसके तौर पर नहीं गए तो उसने राज्य को उड़ा दी। लू रिवील करती है कि यही कारण थी कि वो उस दिन जंगल के बीच में थी, इसलिए वो टेबल पर झुक जाती है और टिया से पूछती है क्या वो यहाँ रहना शुरू करना चाहेगी। वो उसे सारी फसल दिखाने की प्रॉमिस करती है, जैसे कि हराकू की वैगन उसके गोल अंडों की बगल में। लू उसे खेत में घुमाने ले जाती है और हराकू उसे कार्बेज काटने की तरीका सिखाने की कोशिश करता है। इसे काटने के बाद वो इसे खाने के रूप में तैयार करता है और उसे देने से पहले उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क देता है। वो सोचती है ये बहुत ही स्वादिष्ट है और एक लंबी फार्मिंग
दिन के बाद वह अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को साफ कर लेती है। उनके घर के अंदर वो पहली बार स्ट्रॉबेरी खाती है और लू उससे कहती है कि वो उसे आगे स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बनाने की तरीका दिखाएगी। वो उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे उनके साथ रहने के लिए भीख मांगती है, क्योंकि अगर वो अकेले यहाँ रहती है तो उसकी बॉडी सब कुछ नहीं संभाल सकती। यह सोचती है कि वो स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई के आनंद ली है, इसलिए वो उससे और स्ट्रॉबेरी मांगती है। लेकिन हराकू को लगता है कि अभी और जगह देने से खाना खराब हो जाएगा। जब वह चलता रहता है तो हराकू किनो के नए बच्चे को देखता है और उनके फार्म के बगल के खुले मैदान में उनके लिए एक स्टेबल बनाने का फैसला करता है। ये पूरा करने के बाद वो देखता है कि जाबोटन के सभी बच्चे उड़ान के लिए अपनी रेशम निकल रहा है। तभी टिया उसे कहती है कि वो भी थोड़ी देर के लिए जा रही है और अपने पंखों पर उड़ने लगती है। उस दिन बाद टिया वापस आ जाती है और हरिम में जुड़ने के लिए और भी ज्यादा लड़कियों को ले आती है, जो कि हाई एल्फ थी, क्योंकि उनके पास जायंट प्लॉट है। सभी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और वो सभी एक जैसी है, इसलिए क्लाइमैक्स इस प्लॉट में जबरदस्त होने जा रहा है। हराकू शॉक होता है कि यहाँ कोई लड़का एल्फ क्यों नहीं है, लेकिन टिया ये सारी रियलिटी रिवील करती है कि ग्रेट वॉर के दौरान सभी लड़का एल्फ खत्म हो गया है और ये लोग अब तक जंगल में घूम रहे थे। उनकी अब एक ही इच्छा है, फिर से रिपोपुलेशन करना, और वो हराकू से भीख मांगती है उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे जैसे विलेज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हराकू उन सभी के लिए एक साथ रहने के लिए घर बनाना शुरू कर देता है। कंस्ट्रक्शन और लड़कियों के काम में उनकी स्किल से वह केवल 10 दिनों के अंदर घर बनाने में कामयाब हो जाता है और वह सोचता है कि यह हराकू की गंदी झोपड़ी से कई अच्छा है। हालांकि कम से कम वो चाहता है कि इस विशाल घर में वह सुरक्षित और शांति महसूस कर सके। जैसे जैसे दिन बीतता है, एल्फ लीडर उन्हें उनके लिए खाना और लोहारी करके यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद देना चाहती है, इसलिए वह धरती में भट्टी बनाना शुरू करता है। लोहा को प्रोसेस करने के बाद हराकू उनकी बनाई हुई मेटल पॉट्स देखता है और वह उसे कहती है कि 200 साल तक जंगल में रहने के बाद वह हर तरह के काम कर सकती है। अभी भी वह केवल एक ही चीज जो करना चाहती है, घर बसाना और रिप्रोड्यूस करना। हराकू सोचता है सभी एल्फ के साथ प्लॉट डेवलपमेंट से बचने में ही अच्छा है और एक ए क्लास एनिमी प्रोटोगोनिस्ट बनने का फैसला करता है। एक दिन खेती करते समय एल्फ लड़की देखती है कि उसके पास एक विशाल गेहूं का खेत है और उनमें से एक उससे पूछती है कि क्या वो कुछ रोटी बना सकती है। वो उसे बताती है कि उसके पास इस दुनिया की सबसे रेयरेस्ट खमीर है। हराकू बहुत ही एक्साइटेड है, इसलिए लड़की ब्रेड पकाना शुरू कर देती है और हराकू को आजमाने के लिए इसे ब्रेड स्टिक में बदल देती है। साथ ही वह भी जानना चाहती है कि क्या हराकू की भी इतनी लंबी और टेस्टी है। अब वह फाइनली कुछ रोटी बनाने में कामयाब हो जाती है। वो गेहूं खेतों का विस्तार करना चाहता है, लेकिन उसे इसका एहसास होता है कि उनका विस्तार नियंत्रण से बाहर होने लगा है। और उसे पूछता है कि इस जगह का मालिक कौन है और वो उससे कहती है कि जबकि इसका मालिक कोई नहीं है, ये शायद डेमोन लॉर्ड के कंट्रोल में है। हालांकि वो बिना किसी सपोर्ट की ये सारी भूमि को बनाया है तो ये भूमि उसका है। रात में लड़का इकट्ठा होती है और शॉक होती है कि कैसे हराकू ने इन जायंट स्पाइडर और खतरनाक भेड़ियो को काबू कर लिया, यहाँ तक ये फसल भी इस मिट्टी में कैसे उगाया है। और वह सोचने लगती है कि उसे उनकी दुनिया के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। एक ही समय पर हराकू का एहसास होता है कि लंबे समय से वाटरवे नहीं बना रहा है, इसलिए वो इसे कल का मिशन बनाता है। अगले दिन सुबह हराकू जाबोटन को रानी मधुमक्खी की ओर इशारा करते हुए देखता है और हराकू उनके लिए शहद बनाने के लिए मधुमक्खी की एक घर बनाने का फैसला करता है। वो पूरी दोपहर एक रिजर्वेयर तैयार करने में बिताता है। वो बहुत सारी कंक्रीट से वाटरवे का निर्माण शुरू करता है। एयर ब्लैड क्या झुकती है सभी ठीक जगह पर लगाने के लिए और हराकू उनकी सभी होल को अपने हार्ड हैमर से भर देता है। कार्य घोषणा के कारण एक ही दिन में वाटरवे कंप्लीट हो जाता है और रिजर्वेयर पहले ही भर चुका है, इससे उन्हें फसल को पानी देने में आसानी होगी। लेकिन हराकू इस पर ध्यान देता है कि रिजर्वेयर से उसे बिना कोई काम किए मछली मिल रहा है। वो सोचता है कि भले ही इस जंगल में खरगोश खतरनाक है, लेकिन कम से कम मछलियाँ तो नॉर्मल है। लेकिन उसी समय एक जायंट मछली उसे लगभग निगल ही लेता है। लड़के उसे मछली पकड़ते हुए देखती है, ये जानते हुए कि ये मौत के जंगल से है। उन्हें डाउट होते है कि क्या से खाना सच में सेफ है। हराकू इसे ट्राई करता है और उन्हें थोड़ा सा देने की कोशिश करता है, पर वे बताती है कि उन्हें कुछ अलग तरह की मीट चाहिए। हराकू को समझ में नहीं आता वो किस तरह की मीट की बात कर रही है, इसलिए वो खाना शुरू कर देता है और उसे स्वादिष्ट लगता है। दोनों लड़कियाँ इसे ट्राई करती है और उन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाकी एल भी उसका मीट को चखना चाहती है। सबको खुश करने के लिए हराकू और भी मछली पकड़ना शुरू करता है और उन्हें नमक के साथ प्रिजर्व करता है। उसका इरादा है उनकी डाइट को मॉडर्न करना, इसलिए हराकू जमीन झूठने की कोशिश करता है चावल के बारे में सोचते हुए। और जब वो उगता है तो चावल की टेक्सचर थोड़ी अलग होता है, जबकि उसने कोई वाटरवे भी बनाया हुआ है। वो फैसला करता है कि वो एल्फ के साथ एक चावल की खेत बनाएगा। घंटों तक जमीन ठीक करने के बाद हराकू सभी लड़कियों की ब्लड गेट को रिलीज कर देता है, सॉरी मेरा मतलब ब्लड गेट को रिलीज कर देता है। वो एल्फ लड़कियों से उनकी मदद मांगता है। अभी एल्फ लड़कियां गिली होने लगती है और लिया को चिपचिप तरल पसंद नहीं आती। वह सब एक साथ झुक जाती है और सारी चावल की पौधा को लगा देती है। उस दिन बाद सारी पौधा तैयार हो जाता है कटाई के लिए। हराकू उन्हें सुखाने के लिए लगाता है। लिया को यह सब पता करके अच्छी लगती है। जब सारी पौधा सूख जाता है, हराकू अपनी फार्मिंग टूल का इस्तेमाल करके एक थ्रेजर बनाता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे चावल काटना है। लड़कियां देखती है कि कितनी मेहनत लगता है चावल तैयार करने में और सोचती है क्या यह फाइनल हो गई है। लेकिन हराकू बताता है और एक स्टेप बाकी है। वो चावल पकाने का तैयारी करता है और उसे कहता है कि वो अपनी जादू से आग जला दे, इसलिए उस
घाती को जलाने के लिए अपनी अंतिम विस्फोट छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहता है। थोड़ी सी आग से उसे नाराज करके हरा को चावल को पकाने लगता है जब तक कि वो पूरी तरह से तैयार न हो जाए, और लड़कियों के स्वाद के लिए इस चावल को गोले के रूप में बनाता है। लू एक बाइट करने की डिसाइड करती है। लड़कियों को लगती है कि ये बेकार है और उन्हें अफसोस होती है इसके लिए इतनी सारी मेहनत की गई, लेकिन हराकू को पता है कि लड़कियां झूठ बोल रही है जबकि सब चावल खत्म हो गया है। वो फैसला करता है कि अब वो चावल की खेती को एक्सपेंड करेगा, और सारी लड़कियां काम खत्म होने के बाद साफ सफाई शुरू कर देती है। हराकू को देखता है कि कैसे वो खुद को मैजिक से साफ कर रही है, और विश करता है उसके पास भी एक बाथ होता खुद को साफ करने के लिए। जबकि वो एक वाटर वे बना लिया है, इसलिए वो डिसाइड करता है एक बाथ बनेगा और लड़कियों को अपनी ब्लू प्रिंट दिखाता है कि वो प्लम्बिंग को कैसे डिजाइन करने जा रहा है। लड़कियां सोचती है कि अगर वह नदी में स्विम कर सकती है तो ये सब क्यों करनी है, लेकिन हराकू ने यह याद दिलाता है हल्दी में वो जम जाएगी। इसके अलावा वो वास्तव में हेल्थ के लिए नहाना चाहता है, और बिना किसी प्लॉट आर्मर की उन्हें घूमना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लड़की एक फर्नेस बनाती है पानी को गर्म करने के लिए, और सबसे बड़ा बात तब बनाती है सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन हराकू सोचता है कि गंदे पानी का क्या करेगा। यह को लगती है कि स्लिम पानी को शुद्ध करने में मदद कर सकता है, लेकिन हराकू को यह सोच में डाल देता है कि क्या यह वो खतरनाक मॉन्स्टर है जो एडवेंचर को तबाह कर देता है। यह को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो उठते हुए कुछ स्लिम ले आती है। वो कुछ को पानी शुद्ध करने की जगह और बाथरूम के अंदर रखता है। बस ऐसे ही उनकी वाटर वेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर वो लकड़ियां जलाने के लिए उठाता है, लेकिन कुछ में कुछ मशरूम उगा हुआ है। पूरी समझ से हराकू इन मशरूम से रहा है क्योंकि यह जहरीले हो सकता है, लेकिन सभी लड़कियों को लगती है कि यह सुरक्षित है और वह सबको खाना चाहती है, इसलिए हराकू कुछ लॉब्स को मशरूम उगाने के लिए तैयार करता है। सूरज डूब जाने के बाद हराकू आंध में बात तैयार करता है और लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना चाहती है, इसलिए वो उसकी प्लॉट प्रोटेक्शन को उतारता है और उन्हें दिखाना शुरू करता है कि यह कैसे किया जाता है। लेकिन लड़कियों को एक अलग तरह के तौर पर तो टपकती हुई महसूस होने लगती है, इसलिए उनकी प्लॉट आर्मर को उतार कर उसके साथ ज्वाइन होने की डिसाइड करती है। लू से कहती है उनके लिए एकदम परफेक्ट है एक साथ करने के लिए, और हराकू को महसूस होता है कि उसका तलवार की हड्डी लंबी और साफ होता जा रहा है। अगले सुबह हराकू देखता है कि सारी खाने वाले मशरूम उगा हुआ है, लेकिन कुत्ता और ज्यादा एल्फ लेकर आया है। बेशक वो सभी फीमेल है, लेकिन कौन शिकायत कर रहा है। लिया बताती है कि वो सब पहले एक साथ रहती थी और वो खुश है कि अब सब उसके साथ है। लिया सुझाव देती है कि वो अपने घर को बड़ा करे ताकि सबको और ज्यादा जगह मिले, और बच्चा पैदा शुरू करने के लिए उन्हें बधाई देती है। हराकू को समझ नहीं आता है कि वो इतना ऑप्टिमाइज क्यों है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी मास्टर की हारिम बढ़ रहा है, और वो हमें अपनी कहानी के बारे में बताता है। उसके पास एक मास्टर नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था, वो जन्म से लेकर हमेशा अकेला घुमा है, और वो कभी भी किसी दूसरे मेल के खिलाफ लड़ाई में नहीं हारा है। उसका सिर्फ एक ही इच्छा था, आजादी से जीवन जीने का, लेकिन जब वो एक फीमेल से मिला तो उसको तबाह कर दी। वो पूरी तरीके से हार जाने के बाद वो साथ में घूमने लगा, पर एक दिन उसकी पेट बढ़ने लगी। वो सब कुछ करना चाहता था ताकि वो उसे कंटिन्यू प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन शांति लंबा समय तक नहीं बना रहा। एक विशाल भालू उन्हें तबाह करने के लिए रेडी था, लेकिन जब वो बुरी तरह जख्म हो गया तो भालू चला गया। फिर भी वो अब खाना खाने के लिए शिकार नहीं कर सकता था, और वह भटक कर जंगल की सबसे खतरनाक जगह उसके बीच तक पहुंच गया। वहाँ एक इंसान को देखा जो बिना किसी चिंता के घूम रहा था, लेकिन किरो ने उसके हाथ में रखा चीज को देखा और उसमें से अनंत शक्ति को महसूस किया। उसने अपने जीवन का अंत तय कर लिया था, लेकिन उसने उनका ख्याल रखना शुरू किया। किरो ने देखा कि खाना एक जायंट बोल की मांस था जिसे हरा गया था, और उसे एक इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर को हराने में कैसे सफलता मिला इससे वो इम्प्रेस हो गया। उसने उसे इम्प्रेस किया कि वो इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर को हराने में कामयाब है। फिर उन्होंने फैसला किया कि हराकू उनकी मॉन्स्टर बनेगा, और उन्होंने उसका बनाया गया खाने का आनंद लिया। जल्द ही उनके बच्चे बड़े परिवार में बदल गया, और उन्होंने देखा कि हराकू का हरिम भी कैसे बढ़ रहा था। लेकिन उसको एक चिंता अभी भी है, उनकी मास्टर नहीं जानता था कि वो है वो लेजेंडरी इन्फर्न उल। पर किरो को लगता है कि कोई बात नहीं, उसे खुशी है कि उसकी जिंदगी उसे ऐसी माहौल में ले आया है। कुछ हफ्तों बाद नया बड़ा घर तैयार हो जाता है, और हराकू याद करता है सारे वो खुदाई और लकड़ी इकट्ठा करना जो इस घर को तैयार करने में लगा था। हमेशा उसे पता था कि ये बड़ा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंदर से इतना खूबसूरत दिखेगा। लड़कियां उसे दिखाती है वो सुंदर कमरा जो उन्होंने उसके लिए बनाई है, और उसके अपोजिट कमरे के सामने है बड़ा डाइनिंग रूम, पीछे है रसोई, और दोनों तरफ बड़े भोजन के लिए और भी चूल्हा है। अंत में बीच में बड़ा रूम है जिसमें कई खाना और लकड़ियां सर्दी के लिए रखा जा सकता है। दूसरे मंजिल पर लड़की अपनी कमरे देखती है और खुश है कि हर एक को अपनी खुद के लिए बहुत जगह मिली है, लेकिन हाँ को नोटिस करता है कि एक कमरे में एक बहुत बड़ा बोल्ट है जो उससे लॉक है। उसके भगवान की मूर्तियों के अलावा हराकू कुछ कुत्तों की मूर्तियां बनाता है घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए, और सोचता है ये बहुत ही अच्छे से बना है। उसके नए घर के अंदर हराकू सभी मसाला को इकट्ठा करता है एक नया रेसिपी बनाने के लिए। लड़कियां सोचती है वो क्या बनाने जा रहा है, और वो एक खुलासा करता है इसे करी कहता है। लड़कियां विश करती है कि वो ये उसकी और बेकार खाना खाना नहीं चाहती है, इससे अच्छा है कि वो खाने के साथ भून जाए। तभी हराकू उसकी करी के लिए कुछ तीखा लाने जाता है, और लड़कियों को एहसास होती है कि उन्होंने इससे पहले ये पौधा नहीं देखी थी। ये हराकू की ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का और एक कमाल है जिससे
जिससे वो किसी भी पौधा को किसी भी वेदर में उगा सकता है। उसे तीखा पान के लिए प्यूमेन चाहिए और वो देखता है फ्लावर ऑलरेडी खिल गया है। अगले पौधा के लिए उसे हल्दी चाहिए और लड़कियों की मैजिक से सभी तीखा मसाले को सुखा लेता है। आखिरकार उसे धने पत्ती और धने चाहिए। कुत्ते भी इसका टेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब वह धने पत्ती को सूंघता है वह डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और थोड़ा सा काली मिर्च इकट्ठा करने के बाद हरा को फाइनली करी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पर यह नोटिस करता है कि लड़कियां बोर हो गई है और चली गई है। अब किचन में वो देखता है कि लिहा अकेली है जो उसे हेल्प करने वाली है और लिहा उससे कहती है सभी लड़कियों में से उसकी प्लॉट सबसे मोटी है, लेकिन छोड़ो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। वो गोश्त को पकाता है और मसाला डालने की कोशिश करता है, लेकिन हराकु को एहसास होता है कि वो इस पूरे टाइम किसी चीज को मिस कर रहा है, ये नान है। और वो गुस्सा हो जाता है कि वो कैसे इसे भूल सकता है। वो एक साथ रोटी को बेलने लगता है और इस रोटी के पहाड़ को तैयार करने के बाद उनके खाना बनाना फाइनली खत्म हो जाता है। अभी लड़कियां इकट्ठा होती है उसकी कारी ट्राई करने के लिए, लेकिन सोचती है यह देखने में बहुत ही बेकार लग रहा है, लेकिन वो उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए कहता है। लू और टिया थोड़ा सा खाती है और कहती है यह बेकार जैसा दिख नहीं रहा है, यह बेकार है, लेकिन वह फिर से इसे लेने के लिए आ जाती है। हराको सोचता है वह इतना क्यों खाई जब तक ये खत्म ना हो गया। वो सोचता है क्या वह उसके साथ अच्छा वर्तव करने के लिए की, लेकिन ये जो उसे नहीं पता है वह सभी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें यह पसंद आई है क्योंकि उन्हें उसका एक अलग तरह की मीट चाहिए। हल्दी आखिरकार हवा को भिगा देता है और जबकि वह बहुत समय घर के अंदर बिताने वाला है, हराको कई हफ्ते जितना हो सके उतना जाड़ा लकड़ी इकट्ठा करने में बिताता है। जब ठंडी आ जाता है जागुटन पेड़ के ऊपर सर्दी नींद में जाने वाला था, इसलिए हराको उसे पोटेटो दे देता है और ठंड के लिए कुछ ब्लैंकेट पाता है। लिया घर को ठीक करती है जैसे कि वो हमेशा करती है। वो देखता है बाकी लड़कियां कुछ गोश्त के अंदर सीख घुसाने की कोशिश कर रही है। हीरो और बाकी डॉग्स अच्छे से शिकार नहीं कर पाया है, इसलिए वो जो कर सकता है वो है डिया की पिंक गोश्त को लेना। अभी बेस कवर हो जाने के बाद वो सोचता है सब्जी को सुरक्षित कैसे रखे, इसलिए वो एक बॉक्स बनाता है जो ब्लैंकेट से कवर रहेगा जिससे बर्फ एक ग्रिड की तरह काम करेगा। उसके सभी जीनियस तरीके के साथ वो सोचता है काश वो मैजिक यूज कर पाता, यहाँ तक कि एक बार के लिए भी। अब रात को लू से इग्निशन स्पेल कैसे उस करना है सिखाने की कोशिश करती है और ये एक्सप्लेन करती है कि ये आम बात है और पहली कोशिश में कई तरह की गोयलम को समन कर सकता है। ये सुनकर वो सोचता है बहुत सारा गोयलम को एक साथ समन करने के लिए वो बहुत मजेदार है, लेकिन लू उससे कहती है कि उसकी प्लॉट टिया की प्लॉट से ज्यादा मोटी है। हराको सोचता है मैजिक यूज करने के लिए वह सभी शानदार है जबकि वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय पौधा लगाने के अलावा, लेकिन लू उसे ये कहती है वो यहाँ पर सबसे शानदार है, उसके बिना ये जगह कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कितना मेहनत करके उन सभी को हर दिन लगातार खाने को देता है। वो उसे ये भी कहती है वही अकेला है जो ये कर सकता है। हल्दी के पहले तुसा गिरने लगता है और चारों ओर सफेद हो जाता है। जितना वक्त वह घर के अंदर बिताने वाला है, हराको फैसला करता है कि वो कुछ क्लासिक गेम बनाएगा रिवर्स और चेस। वो उन्हें सिखाता है गेम को कैसे खेलना है और लोग सोचती है ये एंजॉय करने के लिए ये बहुत ही आसान है। टिया उसे कहती है ये आसान रूल बहुत ही मुश्किल चैलेंज को क्रिएट करता है। हराको टिया से कहती है वो सही है, इसलिए लोग गुस्सा हो जाती है और टिया को एक गेम के लिए चैलेंज करती है। दो घंटे तक एक गेम चलने के बाद लू डिस्ट्रॉय होने वाली थी और हराको नोटिस करता है उसके हाथ कांप रही है, लेकिन वो हाथ फिसल जाने की करती है और माफी मांगती है क्योंकि उन्हें फिर से पहले से शुरू करनी होगी। लेकिन टिया उसकी मैजिक का इस्तेमाल करती है सभी गोटी को वहीं पर रखने के लिए जो जहाँ पर था और उसे कहती है ये बहुत ही शर्मदायक है क्योंकि वो एक बच्चे की तरह खेल रही है। और हराको ये देखने की कोशिश करता है बाकी सभी कैसे खेल रहा है। वो देखता है दो अलग अलग की रिवर्स शांति से खेल रही है और किरो उस जगह पर गोटी हिलाता है जहाँ उसकी बेस्ट पोजीशन होना चाहिए, जिससे वो शॉक हो जाता है कि किरो को रूल समझ कैसे आया है। लेकिन ये भी देखता है बाकी चेस सही तरीके से खेल रहा है और यहाँ तक सोचता है कि ये पहली नजर में ही चालाक दिख रहा है। वो एक जबरदस्त आउरा उनके अंदर से निकलता हुआ महसूस करता है। लू फैसला करती है उनके विरोध में एक गेम खेलेगी क्योंकि वो 100% नहीं हारेगी, लेकिन गेम सही से खत्म नहीं होता है। वो चारों माजो खेलने लगा है और हराको सोचता है उसका पल्ला भारी है क्योंकि रूल्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो लू की बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लड़कियां उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बेचारा हराको और लू दोनों हार जाती है। कुछ हफ्ते बाद वो सभी बोर्ड गेम से बोर हो जाती है, इसलिए हराको इसमें बॉलिंग गेम डिजाइन करता है। यहाँ तक कि ये सोचता है कि ये बहुत ही आसान गेम है, लेकिन सभी लड़कियां ये एंजॉय करती है और इसी के साथ धीरे धीरे जाने लगता है। जो शानदार फ्रिज उसने बनाया था वो काम कर रहा है और वह उनकी मजेदार खाने की स्वाद ले पाती है जब तक कि बर्फ पिघल न जाए और गर्मी न आ जाए। लेकिन जब वो शानदार धूप को महसूस करने की कोशिश करता है, जागुटन अलार्म बजाना शुरू कर देता है उन्हें चौंकाना करने के लिए। एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। हराको आसमान में देखता है और नोटिस करता है एक विशाल ड्रैगन उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन टिया उसे ये कहती है ये कोई ड्रैगन नहीं है, ये वाबेरिन है। वाबेरिन आसमान पर चीखता है और एक आग की गोला तैयार करने लगता है पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन टिया बहुत ही मुश्किल से इसे रोक पाती है।
उनमें से कुछ आग आकर नीचे गिरता है और लिहा बाकियों के साथ भागती है उन्हें बाहर निकलने के लिए। आग को सोचता है वो इस सिचुएशन में क्या करे और सभी को बचाने के लिए जो भी हो सके वो करना चाहता है। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी बंद करता है उसके हाथ में एक भाला आ जाता है और इसे आसमान की तरफ करके उसकी पूरी ताकत से फेंक देता है। भाला वावेन की प्रोटेक्शन बेरा से टकराता है और अंदर से जाते हुए वावेन की पांव को डैमेज कर देता है जो उड़ते हुए वापस हरागू के पास आ जाता है और वो वापस और एक बार फेंकता है जो वावेन के सीने पर जाके लगता है जिससे वावेन जमीन पर गिर जाता है। जंगल के अंदर हरागू ड्रैगन की बॉडी को पाता है और सोचता है क्या उन पर हमला करने के लिए इसने इसे भेजा था, जबकि वावेन एक रेयर और वैल्यूएबल क्रिएचर है। क्या सोचती है ये एक जंगली मॉन्स्टर है जो अकेला हो गया था। आपको सोचता है ये एक बाय मिस्टेक इंसिडेंट है लेकिन सोचता है क्या इसका मांस को खा सकता है। घर के अंदर क्या कहती है वावेन की मांस इस दुनिया की सबसे अच्छा मांस में से एक है। हरागू वावेन के मांस का कबाब बनाता है और पोत की मांस का खिचड़ी बनाता है। सभी लड़कियां सोचती है ये पहली बार है जब हरागू ने कुछ अच्छा खाने की चीज बनाया है और वो खुश होता है कि उन्हें ये पसंद आई है। वो अभी भी सोच रही है कि कुछ गलत है और जानना चाहती है कि क्या टिया हरागू की भला की कोई भी बार को रोक सकती है, लेकिन वो कहती है ये नामुमकिन है जबकि वो एक वावेन की बैरियर को तोड़ सकता है। हरागू उनसे पूछता है वह किस बारे में बात कर रही है, क्या इस बार में कि उसने सभी हड्डियां को बाहर नहीं निकाला। इस पर टिया कहती है नहीं, वो उसकी हड्डियां या और कोई चीज के बारे में बात नहीं कर रही है। इसी बीच डेमोनिक किंगडम के अंदर लीडर खबर पाता है वावेन मर गया है, जिसे मारने के लिए उन्हें क्विक फोर्स की जरूरत पड़ता है जिससे वह किसी तरह वावेन को हरा सकता है, लेकिन काउंट कहता है सच है, जिससे सेनापति घबरा जाता है और बाकी डर के मारे कांपने लगता है। सोचता है यह कैसे हो सकता है और यहां तक उनमें से एक रिजाइन भी करना चाहता है। साउथ के ड्राइम लियास के अंदर उची अटैक को खुद की आंख से देखा है और सोचता है अगर ड्रैगन किंग भी हमला किया तो हराकू की भाला उन्हें भी खत्म कर सकता है। अगले दिन सुबह हराकू सोचता है यहां वो सब कुछ खाने के बाद अभी भी एक चीज को मिस कर रहा है जो है पीजी अंगूर का जूस। वो सभी लड़किया को इकट्ठा करता है अंगूर को काटने के लिए। इसी के साथ कुचल का जूस बाहर निकलने के लिए एक अजीब मशीन अंगूर पर पैर रखने के लिए उनके लिए बनाता है। टिया और लिहा उनकी पैर बॉल के अंदर हिलाने लगती है जब तक कि गहरी लिक्विड बाहर ना आ जाए। वह एक दूसरे के ऊपर गिरने में कामयाब हो जाती है और देखती है कि वह क्रीमी गहरी लिक्विड से भर गई है। सोचती है यह करने के लिए वे कैसे उनकी ताल बनाए रखे। उनमें से एक गर्ल बताती है कि उन्हें गाना गाना चाहिए जिसे वह पहले यूज कर चुकी है। फाइनली जूस बाहर आने लगता है और टियालू से कहती है वो हराकू को लेकर उनके साथ ज्वाइन हो जाए। वो ये पूरा दिन अंगूर के जूस निकालने में बिताता है और बचे हुए बैल में छोड़ देता है दारू बनने के लिए। हराकू सोचता है क्या उसने काफी बनाया है और इस तरह के गॉड बाकी गॉड को दिखाता है हराकू मजा कैसे कर रहा है और उसे छोड़ देने के लिए माफी मांगता है। हालांकि एग्रीकल्चर की गॉड उससे कहती है उसने एक आम इंसान को मार दिया और उसे सुनसान जंगल के अंदर भेज दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने उसे एक होली लॉन्चर गैरमी टूल दिया जिसे एक फार्मिंग टूल की तरह यूज करने के लिए कहा जो की इंसान की एनर्जी को कंज्यूम करके उसे तुरंत मार देगा। लेकिन गॉड सोचता है उसने उसे एक हेल्दी बॉडी दिया है इससे वो उसकी लाइफ एनर्जी को तुरंत रिकवर कर लेगा। लेकिन यही नहीं, वो सोचते हैं कि उसकी स्टैचू एक बूढ़ी मूर्ति की तरह क्यों है, इसलिए उसकी पनिशमेंट के तौर पर वो उसके डैड को 3000 साल इसी तरह बैठे रहने के लिए कहती है। अचानक एक दिन जबूटन अलार्म बजाने लगता है और हराकू को एहसास होता है कि उसके साथ डेजा वो फील क्यों हो रहा है। लू पहचान लेती है कि ये लड़की उसकी बहन फ्लोरा है। ये सुनने के बाद कि उसकी बहन को कोई बदसूरत एंजल पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसने उसकी बहन को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। क्या उससे कहती है ये वो फिर से कहे हराकू यहाँ रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं पा रही है कि ये घिनौना देखने वाला आदमी उसकी बहन के हस्बैंड है। हीरो उसे रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए वार्न करता है और लू से कहती है कि वो ऐसे भी इन्फर्नल उल्फ की मास्टर है, यहाँ तक कि इसने वावेन को भी मारा है। ये पहली बार है जब हराकू सुनता है कि ये सभी इन्फर्नल उल्फ है और जानना चाहता है इन्फर्नल का मतलब क्या है। हीरो उसे उसकी एबिलिटी दिखाता है और यकीन दिलाता है कि वही सबसे अच्छा पेट है। इस बात की माफी मांगने के लिए कि बाकी लड़कियों की तरह उल्फ ने उसकी भी खा ली, हराकू उसे एक अच्छा खाना बनाकर देता है लेकिन उसे सॉफ्ट व्हाइट लिक्विड क्या कहते हैं उसे वो पसंद आती है। लेकिन वो उससे कहता है कि ये घर की कुछ चीज और सॉस से बना है जो खेती बाड़ी करने से मिला है, लेकिन उसको आइडिया भी नहीं है इन सभी बातों का मतलब क्या है। ये हराकू के लिए क्लियर हो जाता है कि उन्हें आइडिया भी नहीं है वो अच्छी जिंदगी जी रहा है जो इस दुनिया में खेती बाड़ी करने से हुआ है। इसलिए फ्लोरा इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करती है और सोचती है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के बाद फ्लोरा फैसला करती है यहाँ से जाएगी और एक महीने बाद वापस आएगी। वो उसके साथ एक पूरी नौकरानी के शहर को उठा ले आती है और वो हराकू से कहती है वो जैसे भी चाहे उन्हें यूज कर सकता है। अब हराकू को ये सोचने तो उसे कैसे यूज करना है। टिया नोटिस करती है वही अकेली है जिसने अभी तक उसके चीजों को यहाँ पर नहीं लाई है। इस बात की बराबरी करने के लिए वो उड़कर चली जाती है और रात को तीन एंजल ग्रुप के साथ लिजार्ड की सेना लेकर आ जाती है। नया सिटीजन के साथ वो एक मुर्गी भी ले आती है और हराकू ये देखकर खुश हो जाता है कि ये जगह कई तरह के सिटीजन से भर जा रहा है। हबी नौकरानी राक्षसों की जाति से बिलोंग करती है और वे सभी काम करने में मदद कर रही है। हालांकि हराकू नोटिस करता है उनमें से किसी को खाना बनाना नहीं आती, इसलिए वो उन्हें कैसे अलग अलग तरह की खाना बनाया जाए ये सिखाता है। अच्छा खाना देखकर सभी नौकरानी मास्क के साथ
एक्सपेरिमेंट करके जितना हो सके उतना अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ या की तीनों एंजल जंगल के ऊपर नजर रखती है उन्हें सेफ रखने के लिए, और लिजर्ड मैन कठोर लेबर के काम करता है। हारा को नोटिस करता है यह जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डेविन के बारे में बात करती हुई रिया आती है और उसे कहती है वो बाकी बची हुई एल्फ को ले आई है जो जंगल में भटक रही थी। हारा को जानना चाहता है यहाँ पर एक भी लड़का एल्फ क्यों नहीं है। इस पर वो उसे कहती है वैसे भी जंगल में आसानी से मर गया है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि वह फिर से बहुत सारा लड़का बहाना शुरू करेगी। इस पर हारा को इस करता है कैसे वो कर पाए, लेकिन वो उनसे जानना नहीं चाहेगा वो ऐसा कैसे कर पाएगी। कुछ दिन बाद हारा को सभी को बुलाता है और अचानक बुलाने के लिए माफी मांगता है। जबकि ये जगह तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारा लोग यहाँ रह रहा है, एक विलेज की तरह बनने लगा है, इसलिए वो इस जगह का एक नाम रखने के लिए हेल्प मांगता है। नौकरानी कहती है कि इसका नाम आपका द फॉरेस्ट रखे, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ नाम के साथ हारा को सोचता है ये भूतिया शहर की तरह साउंड कर रहा है। जबूदान दरवाजे की तरफ मार करता है और हारा को इसे खोलता है। इसके बीच में जायंट ट्री को देखता है, इसलिए वो यहाँ का नाम द ग्रेट ट्री विलेज रखता है। उस रात को वहाँ के सभी विलेज के नाम की सेलिब्रेट करता है और एक पार्टी करता है और अंगूर जूस की पहली बैरल ओपन करता है और सभी लड़कियां मेयर कहकर चिल्लाती है और लू उसे कहती है कि वही अकेला इस काम के लिए है। ग्रेट ट्री विलेज के सिटीजन के हिसाब से ये रात उनकी नए जिंदगी की शुरुआत है और सभी इसका मजा अंगूर की शराब पीकर लेता है। त्या थक जाती है और उसे भीख मांगती है कि वो उसके पास आकर बैठे। वो उससे पूछती है वो अकेला क्यों बैठा है, लेकिन वो उससे कहता है उसे ये सपना जैसा लग रहा है। लेकिन त्या उससे कहती है ये कोई सपना नहीं है और वह पूरी जिंदगी एक साथ इस तरह रहने वाली है। वो उससे कहती है उनकी न्यू विलेज के लिए वो थोड़ा सा शराब पिए और लू भी थोड़ा सा शराब मांगती है। आपको सोचता है कितना साल हो गया है जब उसे खुशी मिला था और सोचता है वो एक मेयर के हिसाब से दिखने वाला है। जैसे ही समय के साथ साथ गर्मी आ जाता है और रहने वालों की नंबर 30 एक बार बढ़ जाता है, यहाँ तक कि डेमोनिक किंगडम की एक रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाता है और खुद को बेजल कहकर इंट्रोड्यूस करता है। हारा को एक बोतल के साथ डेमोन लॉर्ड की एक मैसेज देता है, वो यहाँ समझौता के बारे में बातचीत करना चाहता है। इसलिए हारा को सोचता है कि वो ये उससे टैक्स लेने की कोशिश कर रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए वो सोचता है कि क्या वो टिया और लू से सलाह मांगे, लेकिन लू से आंख मारती है खुद ही संभालने के लिए। हारा को हिम्मत जुटाता है और खबरी को इन्फॉर्म कर देता है कि वो खुशी से टैक्स पे करेगा और कहता है वो सिर्फ 10% ही पे करेगा। ये बात बेजल को हैरान कर देता है। हारा को सोचता है क्या उसने गड़बड़ कर दिया, लेकिन बेजल उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो उनकी एग्रीमेंट एक पेपर पर लिखता है उनके बीच बिजनेस की बात फाइनल हो जाता है और ये भी कहता है वो सिर्फ फसल के ऊपर ही टैक्स पे करेगा। लेकिन फिर भी वो चिंतित है कि बातचीत करने में वो बहुत ही एग्रेसिव है, इसलिए वो बेजल को एक गिफ्ट के साथ घर भेजता है। वो सोचता है उसने सब कुछ सही से संभाल लिया है और लू सोचती है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि अब से उनके पास डेमोनॉट आर्मी की सुरक्षा है। यह भी सहमत होती है लेकिन सोचती है 10% बहुत ही लो है जबकि बातचीत के हिसाब से 50% से 60% देना चाहिए। जबकि वो साल में एक बार टैक्स लेने आता है वह इसके बारे में झूठ कह सकता है कि उन्होंने कितना फसल उगाया है। इसलिए हाराकू ने चमत्कार का एक डील बनाया है। डेमोनॉट के महल के अंदर सेनापति हैरान हो जाता है कि ग्रेट ट्री विलेज इतना आसानी से तैयार हो गया है और उन्हें संदेह होता है कि इसके पीछे कोई खास तरह की मतलब है। बेजल भी सहमत होता है कि हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। जबकि विनाशकारी एंजल के साथ वैम्पायर की प्रिंसेस भी उसके साथ है, लेकिन सिर्फ वही नहीं वहाँ पर एक हाई एल्फ की सेना भी है और एक इन्फर्नल वुल्फ के ग्रुप भी है और यहाँ तक तीनों किलर एंजल के ग्रुप भी उस विलेज के ऊपर नजर रख रही है। बेजल डर की मारे कांपने लगता है, उसे पता है उनके साथ बातचीत को मना नहीं कर सकता है, इसलिए उनमें से एक चेक करने की कोशिश करता है कि क्या ये जहरीला है। लेकिन बेजल और एक चीज को गिफ्ट में नोटिस करता है, ये कपड़ा जो खतरनाक स्पाइडर से बना है, एक पावरफुल मॉन्स्टर जो पिछले डेमोलॉर्ड को लगभग हरा ही दिया था। बर्नाडोम फैसला करता है बहुत हो गया है और वो चला जाता है। अगले दिन सुबह सभी ड्रैगन को कंट्रोल करने वाले राय खुद को हराकू से इंट्रोड्यूस करता है और एक गिफ्ट के साथ वो उसे मनाने आया है। हराकू अंदर एक्सपेंसिव थॉट देखता है लेकिन सोचता है ये दिखने में गलत लग रहा है। फिर भी वो उस आदमी को थैंक्स कहता है और पूछता है किसने उसे आज यहाँ पर लाया है। वो आदमी एक्सप्लेन करता है ड्रीम लेयर उनकी ब्लेड की एकदम साउथ में है, इसलिए वो उन्हें उनके पड़ोसी मानता है, इसलिए वो उन्हें खानदार बधाई देने आया है। हराकू उन्हें डिनर पर इन्वाइट करता है, इसलिए ड्राइव उसकी ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है और खुद को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कराता है। रात को वो अंगूर की शराब का मजा लेता है जो उन्होंने बनाया था और वो और देने के लिए भीख मांगता है, लेकिन उसके असिस्टेंट उससे कहता है वो यहाँ से निकल जाए इससे पहले कि वे हराकू के ब्लेड के लिए बाधा बन जाए। उनके चला जाने के बाद हराकू के बनाया हुआ गिफ्ट के साथ उसे एहसास होता है कि उनके पास बहुत सारा विजिटर आ रहा है, इसलिए अगले दिन वो महत्वपूर्ण विजिटर के लिए एक गेस्ट हाउस बनाने लगता है। आमतौर पर वो नहीं चाहता कि एंजल्स किसी भी विजिटर को डरा दे और जब भी जबरदस्त विजिटर के अलार्म बजाए सैंडमैन उनके साथ लड़ने के लिए भागे। ये सही से वेलकम करने से बहुत ही दूर है, इसलिए वो बेल की मदद से विजिटर के लिए एक अलार्म बनाता है और एक वेलकम पार्टी बनाता है टिया लू के साथ। लेकिन प्रधान नौकरानी ये एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि अगर कोई विजिटर उनके दुश्मन निकला तो खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह बहुत सारे हायर और लिजर्ड मैन को उनके साथ जोड़ देता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और वह विजिटर के लिए रात में जागी रहेगी। हायर को फ्लोरा से पूछता है क्या वो उन पर नजर रख सकती है, जबकि वो कई रात बिना सोए जाग सकती है। जैसे जैसे सब कुछ तैयार हो जाता है हाउलिंग विलेज से एक नया विजिटर का ग्रुप आता है, वो रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इसलिए लू इसे सामान लेने की फैसला करती है और उन्हें विलेज में वेलकम करती है। वो उनसे पूछती है क्या यहाँ उनका पूरा ग्रुप है, उनके लीडर कहता है कि हाँ उनमें से सभी यहाँ है। ये
सुनने के बाद लू उसे कहती है कि वो बाकियों के साथ एक दुश्मन की तरह बर्ताव करेगी और जंगल के अंदर छुपा हुआ लोग चीखने लगता है। उनकी लीडर इसके लिए माफी मांगता है कि उनमें से कुछ छुपा हुआ था और लू उसे कहते हैं कि लोगों के छुपे रहना ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उन्हें यहाँ सही से रहना होगा जब तक वो यहाँ रहेगा। अभी गेस्ट हाउस में दिन बिताने के बाद लू उनके दरवाजा को रात के लिए लॉक कर देती है और हरा को जानना चाहता है वो उनके साथ एक कैदी की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। या उसे कहती है उसने अभी तक नोटिस नहीं किया, लेकिन जब भी कोई विजिटर यहाँ आया है वो कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया है सिवाय इनके। अगले दिन सुबह हरा को जानना चाहता है वो उन्हें अंगूर की शराब क्यों नहीं दे रही है, लेकिन हेड नॉकलाइन उससे कहती है ये डिफरेंट गेस्ट है, उन गेस्टों के बीच में जो गेस्ट शॉट ले आता है और जो नहीं लाता। हरा को विश करता है वो कम से कम उन्हें और थोड़ा खाना तो दे, लेकिन नॉकलाइन उसे एक चमक देती है। जब वह खाना खाती है टिया लू उससे कहती है वो उसकी सहानुभूति को खत्म करे, क्योंकि वो लोग कह रहा था कि वो यहाँ एक खास तरह की नेगोशिएशन करने के लिए आया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं किया है, इसलिए वो उन्हें दारू देने के विरोध में है। लेकिन हरा को अभी भी उन पर जबरदस्ती करता है उनकी टेबल पर दारू देने के लिए। जब वो बातचीत करना शुरू करने की कोशिश करता है हराकू को पता चलता है कि वो उन विलेज से है जहाँ रहने के लिए उन्हें माइनिंग और हंटिंग करना पड़ता है, इसलिए आमतौर पर उनके करीब की विलेज के साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन अभी वह झगड़े के कारण उन्हें व्यापार करने से दूर होना पड़ रहा है। वो यहाँ ग्रेट ट्री विलेज के साथ खुला व्यापार करने आया है। उनमें से खुश है कि वह छुपने से बच गया है क्योंकि वो ये स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकता था, और टिया धीरे से पूछती है वह छुपा क्यों था। वो आदमी उसे कहता है कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो कोई वापस जाकर ये उनके विलेज को बता सके। ये देखने के बाद कि वो उस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकालने में कितना एक्सपर्ट है, अब वो चाहता है कि वो उसके प्लॉट के अंदर से दूध बाहर निकाले। यहाँ तक कि लीडर व्यापार के एग्रीमेंट बनाने लगता है, उनके पास कोई पैसा ना होने पर चीजें अदल बदल करके व्यापार कर सकता है। हालांकि जबकि उनकी विलेज यहाँ से बहुत दूर है और ग्रेट ट्री विलेज बहुत ही खतरनाक जगह में से एक में है, वो हरा को से पूछता है क्या वो विलेज में जा सकता है। बहुत ही दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए हरा को हीरो और बाकी उस बॉक्स पर चीज लाएगा ठीक करता है, इसके लिए वो मान जाता है। वो उससे पूछता है वो आज क्या व्यापार करने के लिए लाया है। वो आदमी उसे सिल्वर और कांच की चीज दिखाता है जो उन्होंने बनाया है और हरा को सोचता है कि ये चीज उनके लाइफ की क्वालिटी बहुत ही बढ़ा देगा। इसके बदले में वो आदमी कुछ खाने की चीज का मांग करता है, इसके लिए हरा को खुशी से मान जाता है। ये उनके व्यापार की शुरुआत है। और जब वह विलेज से जाने वाला होता है उनकी लीडर माफी मांगता है यहाँ पर आने पर कोई गिफ्ट ना लाने के लिए, उनकी विलेज इस तरह से बनाया नहीं गया है, इसलिए वो ये वादा करता है अगली बार जब वो आएगा कुछ गिफ्ट लाएगा, पर गिफ्ट कोई शानदार चीज नहीं होगा जबकि उनकी विलेज बहुत ही गरीब है। हालांकि हरा को उससे कहता है साइज से कोई मतलब नहीं बनता, उसके पास जो दिल है उससे बनता है। बहुत दिन बाद हॉलोइन विलेज के साथ उनकी पहली व्यापार के दिन आ जाता है और लड़कियां हरा को से कहती है पीछे रहे, जबकि टिया उनकी खबरी की तरह बर्ताव कर रही है। ड्राइम एक बैल अंगूर के शराब के बदले उन्हें वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। बहुत टाइम से ड्राइम यहाँ अंगूर के शराब पीकर मजा करने आता है और जब भी वो आता है हर वक्त साथ में कुछ तेजा ले आता है, इसलिए हरा को उसे हर वक्त देखकर खुश होता है। वो उसे अंगूर के शराब के लिए थैंक्स कहता है और चला जाता है। उस दिन बाद टिया वापस आ जाती है और हरा को उसे कहती है कि वह सब कुछ व्यापार करने में सफल हुई है। पहले तो सभी लोग डर रहा था क्योंकि उन्होंने इस तरह के फल नहीं देखा था, इसलिए उसने पहले उन्हें कुछ फ्री में देने की ऑफर दी और देर हो जाए इससे पहले सबको ये पसंद आया। वो उस दारू को भी बेच दिया जो ड्राइम के लिए था, इसलिए हरा को उसे वादा करता है आज रात को उससे भी ज्यादा अंगूर की जूस वो उसे देगा। टिया ये खुलासा करती है उनकी मैं पूछ रहा था क्या वहाँ के कुछ लोग ग्रेट ट्री विलेज में आकर रह सकता है। वह टोटल 20 है और सभी यंग लड़की है। भड़वा हरा को यंग लड़की से एलर्जी होने लगा है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी एक कंडीशन पर मान जाता है, उनके साथ दो यंग लड़का होना चाहिए। अगले हफ्ते 20 लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है हरा को जैसे भी चाहे उसके लिए वह मेंटली उस होने के लिए तैयार है, जबकि उन्हें फेंक नहीं सकता। हरा को उनसे कहता है उसका कभी खड़ा ही नहीं होता, इसलिए वो चिंता मत करे। वो उनसे पूछता है वो लड़कों की मांग क्या था, वो आया है और वो तीन यंग लड़के को देखता है, ये वो नहीं जिसका होप कर रहा था, लेकिन दुआ करता है कि ये फ्यूचर में विलेज को बचा लेगा, तीनों का तीन जॉनी बनेगा। बहुत दिन तक नए लड़कियों के साथ रहने के बाद हरा को नोटिस करता है कैसे सभी मैजिक यूज कर पा रहा है, यहाँ तक छोटा स्लिम भी। ये इम्पॉसिबल चीज के बारे में वो चिंता करना बंद करने की कोशिश करता है और खेती करने में ध्यान देता है, लेकिन एक भूकंप जमीन को हिला देता है और एंजल में से एक एंजल ये इन्फॉर्म देने आती है कि मॉन्स्टर भालू और एक मॉन्स्टर सांप लड़ने लगा है, शायद वो इस विलेज को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उस लड़ाई की तरफ उड़ा ले जाती है वो सोचता है इनका स्वाद कैसा होगा। वो उनका बड़ा साइज देखता है और उसे कहता है जितना हो सके उतना तेजी से उनकी तरफ उड़ा ले जाने के लिए। वो तेजी से आगे बढ़ती है और एक ही बार में हरा को दोनों को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।